नमस्कार, मैं रिंकी निगम, आप देख रहे हैं जनबात टाइम्स। थाना लोहा मंडी के अंतर्गत सिरकी मंडी जगराज ट्रेडर्स लोहा मंडी के शशि अग्रवाल के यहां दिनांक 2/5/2022 को रात 2 बजे हुई चोरी। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों को 3 दिन में माल सहित किया गिरफ्तार। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के द्वारा पुलिस के आला अधिकारी एसपी सिटी विकास कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी अर्चना सिंह, थाना प्रभारी लोहा मंडी की टीम का किया सम्मान। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। आप देख रहे हैं संवाददाता नीलम ठाकुर के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अधिकारी महोदय, व्यापार मंडल के पदाधिकारी और उपस्थित सज्जनों, घटना का अनावरण करना पुलिस का काम है और हम लोग अपना ये कर्तव्य आए दिन करते रहते हैं और अक्सर घटनाएं होती हैं तो हम लोग उसका अनावरण भी करते हैं। बहुत कम समय आता है जब आप जैसे लोग आगे बढ़ करके पुलिस का सम्मान करते हैं, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। हमने तो अपना काम समझ के काम किया है, ये मेरा कर्तव्य था। आप सम्मान करते ना करते लेकिन हम अपना काम करते, परंतु आपने सम्मान किया, ये आपकी उदारता है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इंस्पेक्टर लोहा मंडी और यहाँ पर से सभी सज्जनों, सबसे पहले तो मैं उस पुलिस टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी जिन्होंने इस घटना को त्वरित अनावरण किया और रिकवरी करी, जिसके लिए आज आपने सम्मान समारोह आयोजित किया है। जैसा कि अभी इंस्पेक्टर साहब ने बताया, ये पुलिस का काम है चोरी की घटना अफल तो होना, अगर हो गई तो उसे कैसे खोला जाए और बरामदगी की जाए, जो दोषी है उन्हें पकड़ा जाए, तो ये हमारा काम है, वो हम अपना काम कर रहे हैं। कोई ऐसी विशेष बात नहीं की गई है, लेकिन जो आपका ये जेस्चर है, बहुत घटनाएं पुलिस खोलती है, सोना चांदी सब बरामद करती है, लेकिन इस तरह के अवसर कम ही आते हैं। आप व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सीओ लोहा मंडी, एसएचओ लोहा मंडी, सभी पत्रकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने ये मंच बनाया। इस मंच पर हम पुलिस वालों को बुलाया और उन्हें सम्मानित किया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। ब्रजेश पंडित, तो पुलिस ऐसा ही कार्य करती है और हम लोग इस पर प्रयास करते हैं कि हर मामले में अनावरण करें, और आप लोगों के सहयोग से और पुलिस बल अपने उत्साह से शहर में होने वाले लगभग सभी क्राइम का अनावरण किया जा रहा है लगातार। वो मन्नापुरम गोल्ड रॉबरी हो या चोरी हो, सभी का अनावरण किया जा रहा है। अलग अलग तरह के गैंग को भेजा जा रहा है जेल ताकि क्राइम पे अंकुश लगाया जा सके। ये हमारा काम है और हम ये करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन ऐसे कार्यक्रम जो आज जिसमें आप लोग पुलिस बल को सम्मानित करते हैं वो बहुत ही उल्लेखनीय है और ये मनोबल को बढ़ाने वाला है। महोदय विकास जी, सी ओ सी टी अर्चना जी, हमारे एच एस ओ, हमारे पांडे जी और हमारे संग जो टीम थी, जो जिन्होंने बड़ी दूर से चोर को यहाँ पर लेके आए उनको, और हमारे फेडरेशन के जितने भी हमारे अध्यक्ष, महामंत्री और सदस्यगण हैं और मेरे जितने व्यापारी हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पुलिस ने जो अपनी इच्छा के अनुसार तो काम किया, लेकिन उन्होंने पुलिस ने मेहनत तो और लगन से जो 2-3 दिन में जो पर्दाफाश किया और किसी को बताया भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, 2-3 दिन में टेस्ट करके और किसी अदर स्टेट से जो पुलिस जो जमा जाके जो 24 घंटे इन्होंने वहाँ पर बिताए और उसके बाद जो चोर को वहाँ से फैजाबाद जैसे टाउन के अंदर से लेके आए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनको बहुत अपने दिल से उनको तारीफ करता हूँ और उनकी मेहनत
और लगन उनकी हमेशा विश्वास दिलाता हूँ कि यही ईमानदारी और मेहनत लगन आगे चलकर एक बहुत बड़ा एक इमेज पैदा करेगी और विश्वास जागृत करेगी अपने व्यापारियों में, और व्यापारियों में एक विश्वास जागेगा कि जो कुछ नहीं होता था वो सब कुछ होने लगा है। अब चेंज हो चुका है, हर चीज़ का मैनेजर चेंज हो गया, मॉनिटरिंग चेंज हो गई है, एजुकेशन चेंज हो गई है, हर चीज़ चेंज हो गई है, तो हर इंसान बदल गया है। तो एक दूसरे की हेल्प करना, हम आपकी हेल्प करते हैं, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।